नमस्कार, मेरा नाम सुकृत गुप्ता है। इसका मकसद यह है कि हम लोग जम्मू की जनता को इसके बारे में, कल के प्रोग्राम के बारे में अवेयर कर पाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कल 26 जुलाई है और जिसको हम पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो, ताकि वो भी हमारे साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं जिन्होंने हम सबके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। कुछ कार्यक्रम है, हमने कुछ बच्चों को तैयार किया हुआ है जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और पेट्रियोटिक एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग एक छोटी सी अपनी प्रस्तुति देंगे और उम्मीद है कि वो प्रोग्राम को थोड़ा सा अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे। उसी तरह से बलिदान स्तंभ पे रखा गया है जिसका समय जो है वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, जिनको जो आगे बढ़ के जिनका मकसद ये है कि हम जम्मू के यूथ को पेट्रियोटिज्म की तरफ डाइवर्ट कर पाएँ। एफर्ट्स हर साल करते हैं और ये हमारा 7वां साल है इस एफर्ट्स को जारी रखते हुए। जनरली हम लोग यही चाहते हैं कि इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट का हिस्सा बने, ताकि हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ जिन मैसेज और यही संदेश लेके हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते थे, कि हम लोगों को बता पाए कि आप आइए और इस इवेंट का हिस्सा बनिए और बढ़ चढ़ के अपने परिवार के बच्चों को, परिवार के लोगों को, दोस्तों को, सबको लेके आए, ताकि उन लोगों को भी इस जगह की अहमियत पता चले और उन लोगों की चाहतों के बारे में पता चले। धन्यवाद। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी प्रोग्राम को, उसी को ही हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और अपने और उनके याद में हम लोग कैंडी लाइट विजिट करेंगे। ये प्रोग्राम जो है कि हर साल हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं और ये एक छोटा सा ग्रुप है मार्टिस वेलफेयर ग्रुप के नाम से, जो ये कुछ इसमें सेल्फ लेस और सेल्फ सपोर्टेड लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए और जम्मू के यूथ को हम लोग पेट्रोटिज्म की तरफ थोड़ा सा लेके आए और जो जहाँ से भी लोग दूर जा रहे हैं उस चीज़ को, उस तरफ लोगों को लेके आए।